हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षता और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी 5 to 6 लिपस्टिक्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे फेस्टिवल्स हो, चाहे आप किसी की फंक्शन में जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो, सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं खरीदते हैं, डे टू डे बेसिस पे नहीं मेकअप परचेज करते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिप कलर्स चाहिए जो आप कहीं बाहर लगा के जाओ तो बहुत अच्छे लगे और हर आउटफिट पे चल जाएं, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शेड जो मैंने खुद ने लगा रखा है, पहले मैं आपको हैंड स्वॉचेस दिखाऊंगी और बाद में मैं सबके लिप स्वॉचेस दिखाऊंगी। तो हैंड्स पे क्या है ना, आपको और अच्छे से मतलब हैंड पे देखोगे और लिप्स पे देखोगे, दोनों पे देखोगे तो एक बेटर आइडिया आपको मिलेगा। तो सबसे पहला शेड जो है वो आई एम वेयरिंग इट ऑन माई लिप्स और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये सारे शेड ऐसे हैं जो हर एक स्किन टोन पर बहुत अच्छे से सूट करेंगे, प्लस बिना मेकअप के भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप सिर्फ काजल लगा लो और ये शेड्स लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। तो ये है वो लिपस्टिक, दिस इन द शेड बेज टर्नर, शेड नंबर 15। वेरी ब्यूटीफुल मैट लिपस्टिक है एकदम, और बहुत ज़्यादा ड्राइंग मुझे तो फील नहीं होता है लिप्स पे, लेकिन आपके पर्टिकुलरली ड्राई लिप्स हैं तो थोड़ी सी लिप बाम लगा के उसके बाद लिप बाम को वाइप करके आप ये लगाओगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगी अपने लिप्स पे। आई शो यू द हैंड स्वॉच। बेसिकली ये शेड है पीची ब्राउन शेड जो हर एक इंडियन स्किन टोन पे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है दैट यू विल नेवर रिग्रेट बाइंग दिस शेड और ये आपके हर आउटफिट पे डेफिनेटली जाएगा। सो फर्स्ट वन ये था। तो जो नेक्स्ट शेड है वो है स्विस ब्यूटी से। स्विस ब्यूटी के मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं क्योंकि स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक्स ही अफोर्डेबल, प्लस उनका फॉर्मूला, उनके शेड्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, नथिंग इज बेटर दैन स्विस ब्यूटी। मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट ब्रांड है स्विस ब्यूटी। तो किसी भी वीडियो में आप जाकर देखोगे सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मेरे साइड से स्विस ब्यूटी की ही होती है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि महंगा मेकअप खरीदना पैसों की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। आजकल इंडिया में ऐसे बहुत से ब्रांड्स आ गए हैं जो इतने अफोर्डेबल हैं बट दे आर सच अ गुड क्वालिटी। इनफैक्ट कई हाई एंड ब्रांड्स भी हैं जिनकी लिपस्टिक इतनी बढ़िया नहीं है जितनी हमारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की है। तो नेक्स्ट आता है स्विस ब्यूटी। नाउ दिस शेड इज अप्रोप्रिएट फॉर एवरी पॉसिबल फंक्शन, एवरी पॉसिबल ओकेशन। दिस इज इन द शेड फायर पिंक। ये आपके वाइट आउटफिट्स, गोल्डन आउटफिट्स, ऑलमोस्ट हर तरह के आउटफिट के साथ जा सकता है। ऑब्वियसली ये फेस्टिव लिपस्टिक्स की वीडियो है तो एक शेड तो ऐसा हमारे पास एकदम चटाक वाला होने ही वाला है। तो ये शेड मुझे इतना पसंद आया था जब मैंने ये खरीदा था। आई शो यू द स्वॉच। आई एम रियली सॉरी, स्वॉच करने में मैं बहुत ही बुरी हूँ, बट ये भी एक मैट फॉर्मूला है, बहुत ही कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे। जब आप अप्लाई करते हो तो कंफर्टेबली अप्लाई होती है, इजीली ग्लाइड ऑन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बटरी स्मूथ है और एकदम मैट है, ड्राइंग नहीं है लिप्स पे। और इनका स्टे 4 to 5 hours तक का है अगर आप कुछ भी खाते पीते नहीं हो तो। स्टे मेरे लिए पर्टिकुलरली इतना कोई कंसर्न की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज शेड इज गुड एंड एज लॉन्ग एज इट इज कम्फर्टेबल एंड एज लॉन्ग एज इट इज अफोर्डेबल। तो लॉन्ग स्टे का इतना कोई इशू मेरे लिए तो नहीं है, बिकॉज 4 to 5 hours से ज़्यादा आई डोंट थिंक हम लोग इतना कहीं पर रहते भी हैं या फिर इतना लिपस्टिक्स हम यू नो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 4 to 5 hours मोर देन इनफ होते हैं किसी भी लिपस्टिक के लिए स्टे करने के लिए। तो ये मैं अफोर्डेबल रेंज बता रही हूँ आपको, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया है। तो हमारी जो आज की नेक्स्ट लिपस्टिक है, मिलता जुलता शेड ही है थोड़ा बहुत। दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड दिस इज़ कम्फी मैट रेंज एंड दिस इज़ इन द शेड एनी डे नाउ है इसका शेड। मुझे याद है इस पर लिखा हुआ नहीं है बट आई रिमेम्बर द शेड और इसे मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। इससे ज्यादा फेस्टिव पिंक कलर आपको आई डोंट थिंक कहीं मिलने वाला है। ये जो शेड है ये फूशिया पिंक काइंड ऑफ शेड है और ये एक्चुअली में कम्फी मैट है तो बहुत ही कंफर्टेबल है, नॉन ड्राइंग है आपके लिप्स पे। बस इनमें एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि इनके वॉन्ड पे इतना सारा प्रोडक्ट इकट्ठा हुआ हुआ होता है कि आप डायरेक्टली वॉन्ड से इसे नहीं लगा सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं लगा सकती हूँ। तो या तो मैं थोड़ा सा लगा के उसे फिंगर से डैप करती हूँ या फिर उसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई करती हूँ। बस यही एक ड्रॉबैक, देखो आप कितना सारा वॉन्ड पे लगा हुआ है, कितना वेस्ट भी होता है।
तो बस यही एक चीज पसंद नहीं है, बाकी द फॉर्मूला, द लिपस्टिक, द रेंज, एवरीथिंग इज गुड. सो द नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम स्विस ब्यूटी. स्विस ब्यूटी इज माई फेवरेट. ये वापस से एक पिंक शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा. दिस इज इन द शेड नंबर 12, मॉव पिंक. मेरे पास ऐसी बुलेट लिपस्टिक भी है शेड में, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है. बट ये आज मैं आपको लिक्विड लिपस्टिक दिखा रही हूँ, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक मैं बहुत कम दिखाती हूँ स्विस ब्यूटी की. इतना प्यारा शेड है, इतना प्यारा शेड है ये, आप देख सकते हो. और इतना कंफर्टेबल है. स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक से मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ. इसमें मुझे बहुत सारे शेड चाहिए. आई एम सच अ क्रेजी पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्विस ब्यूटी. मुझे ऐसा लगता है मुझे इसके सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, सारी लिपस्टिक्स चाहिए. तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर है, जिसमें हल्का सा मॉव अंडर टोन है, जिसकी वजह से ये हर स्किन टोन को सूट कर जाएगा, हर एक स्किन टोन को लिटरली. तो ये मेरा नेक्स्ट पिक था. सो फोर लिपस्टिक्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. आपको पता है कि जब भी मैं कोई लिपस्टिक की वीडियो बनाती हूँ, तो एक लिपस्टिक मैं डेफिनेटली डेफिनेटली बोनस में दिखाती हूँ. तो पहले हम हमारी एक लिपस्टिक देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम अगेन स्विस ब्यूटी, एंड दिस इज इन द शेड नंबर स्मोक रेड. फेस्टिव लिपस्टिक्स पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो एक रेड कलर इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे. जरूरी है रेड कलर को इंक्लूड करना. और ये आपका एकदम ओजी रेड कलर होता है ना, ये वो वाला रेड कलर है. ये ब्लड रेड शेड है, जो ऑब्वियसली सबसे ब्यूटीफुल रेड शेड होता है. और ये हर एक स्किन टोन पे बहुत अच्छे से मैच करता है. एकदम परफेक्ट आइडियल रेड कलर जो होता है ना, ये वो है. एंड स्विस ब्यूटी के लिप क्रेयॉन्स के बारे में सभी जानते हैं, मुझे अलग से आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. स्विस ब्यूटी के लिप क्रेयॉन्स इतने स्मूद है, माई गॉड, मतलब शुगर का मुकाबला कर रहे हैं ये वाले क्रेयॉन्स. ये आप जब आप अप्लाई करते हो ना इसे, तो ये एकदम ईजिली बटर बटर की तरह स्मूदली ग्लाइड हो जाती है आपके लिप्स पे, सेटल हो जाती है और एकदम मैट हो जाती है. और थोड़े टाइम बाद ये ट्रांसफर प्रूफ भी हो जाती है, तो डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग है. बट आई वुड से कि 4 to 5 आवर्स आराम से लास्ट कर जाएंगी. बट अगर आप कुछ खा लोगे, कुछ ऑयली खाओगे, तो बीच में से निकल सकती है. तो ये तो मेरे लिए कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि 4 to 5 आवर्स ही जनरली हम किसी एक जगह पर टिकते हैं, उससे ज़्यादा तो हमें नीड भी नहीं होती है. नहीं तो हम वी कैन ऑलवेज टच अप. ओके, तो ये अब एक जो शेड है वो मैं बोनस शेड लेकर आई हूँ. ज्यादातर आई नो आज की जो वीडियो है उसमें पिंक शेड्स मैंने ज्यादा इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैं हमेशा न्यूड न्यूड शेड्स इंक्लूड करती हूँ. तो लास्ट हमारी बोनस लिपस्टिक है लैक्मे फॉरएवर मैट लिप कलर. दिस इज इन द शेड नंबर न्यूड ड्रीम, विच इज माई फेवरेट. पिंक लिपस्टिक ना, पिंक लिपस्टिक्स को लेकर मैं बहुत ज्यादा सेलेक्टिव इंसान हूँ, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से पिंक लिपस्टिक पसंद नहीं आती है. बट दिस इज अमेजिंग. पहले तो आप ये देखो कि इनका फॉर्मूला कितना वाटरी है, कितना वाटरी फॉर्मूला है. इतना मतलब ऐसा लगेगा पानी ही लगा रहे हो अपने लिप्स पे, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप लिपस्टिक लगा रहे हो. और क्योंकि वाटरी है, तो डेफिनेटली बहुत लाइट वेट है लिप्स पे. आप इन्हें पिगमेंटेशन लेकिन काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वाटरी है तो पिगमेंटेशन अच्छा नहीं है, पिगमेंटेशन काफी अच्छा है. हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टे बहुत ज्यादा लंबा है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है. बट आप हमेशा इसे टचअप कर सकते हो और ये खराब नहीं होगी. मैं तो कर चुकी हूँ एक दो बार, मुझे नहीं लगता कि ये खराब होती है. आप देख सकते हो, वैसे मैंने जितनी भी लिपस्टिक बताई है ना, देखो सबके शेड्स में वेरिएशंस हैं. सबसे पहले मैं आपको पीची ब्राउन शेड बताया था, फिर ये फूशिया पिंक काइंड ऑफ शेड है, देन मॉव पिंक, देन अगेन मॉव पिंक का दूसरा शेड, देन रेड शेड, एंड देन दिस इज कम्प्लीटली मॉव टोन्ड लिपस्टिक. सो ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी, जो मैं बहुत ऑन रिपीट लगाती हूँ फॉर फेस्टिवल स्पेशली.